हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल राइडा गियर्स, जहां पे हम आपके लिए अलग अलग गियर्स, अलग अलग गैजेट्स लाते हैं जो आपके लाइफ को और बेहतर बनाने में, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में काम में आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जैकेट के बारे में। जैकेट हम जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग वाले जैकेट आते हैं, सनस्क्रीन जैकेट, विंड जैकेट, राइडिंग जैकेट, विंटर जैकेट। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सनस्क्रीन जैकेट के बारे में। तो बिना कोई टाइम गवाए आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग। एक्चुअली इसको ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स किया है और टू मंथ्स से मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, बट आपके एक्सपीरियंस के लिए मैंने शूट करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका पैकेज जो कुरियर से मुझे डिलीवर हुआ है। इसको ओपन करने के लिए कोई नाइफ या फिर किसी कैंची की ज़रूरत नहीं है। पैकेज के अंदर आपको एक प्रोटेक्टिव कवर भी मिलता है, जिसके अंदर है आपका मेन क्लॉथ, आपका जैकेट, जो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। मेन स्टिकर है ये और टैग जिसके ऊपर प्राइसिंग लिखी है 1999 यानी 2000, बट ये मुझे मिला है 1450 रुपए में। ये थंब रखने के लिए गैप, इसके पॉकेट्स भी जीपर से प्रोटेक्टेड है ताकि आपकी चीज़ें नीचे ना गिरे। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर लिखा गया है सनस्क्रीन जैकेट, सन रेज प्रोटेक्शन, कूल रश। इसको M यानी मीडियम साइज में मैंने ऑर्डर किया है। तो ये सनस्क्रीन जैकेट्स होती क्या है? सनस्क्रीन जैकेट्स वो होती है जो आपको सन के हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। हमको पता है कि यूवी रेज ऐसे माना गया है साइंटिस्ट द्वारा कि यूवी रेज के कुछ स्पेक्ट्रम्स ऐसे होते हैं जो अगर स्किन पे पड़े तो वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। तो ऐसे यूज़ के लिए हमको सनस्क्रीन जैकेट्स यूज़ करना है। अभी आप बोलोगे कि ये तो नॉर्मल क्लॉथ भी कर लेगा, सन के रेज को डायरेक्टली स्किन पे नहीं पड़ने देगा, तो ये क्यों डिफरेंट है, इसको सनस्क्रीन जैकेट क्यों कहा गया है? तो बेसिकली बात ऐसी है कि कुछ कुछ एरियाज जैसे आपका नेक हो गया, बिहाइंड द नेक, फ्रंट वाला नेक, उसके बाद में ये आपके रिस्ट तक का एरिया हो गया, ये नॉर्मल क्लोथ्स कभी कभी कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाए जो हमारे रिस्ट यहाँ तक कवर करे और हमारा नेक का एरिया भी कवर करे, तो वो बेहतर ही है, वो आपको सन की रेस से बचा सकता है ऐसे एरियाज़ को जो नॉर्मल क्लोथ नहीं बचा सकते। तो इसके लिए हम इसको सनस्क्रीन जैकेट बोलते हैं, और हम नहीं, इसको ब्रांड सनस्क्रीन जैकेट बोलता है, ठीक है। ये जैकेट आप रोड्स पे नॉर्मल कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वहीं पे भी पहन सकते हो और राइडिंग के वक्त भी पहन सकते हो। राइडिंग की बात आती है तो ये जैकेट आप बस सिटी राइड्स के लिए या फिर शॉर्ट राइड्स आसपास कहीं जाने के लिए यूज़ करो। बाकी यूज़ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे, लॉन्ग टूर्स पे आपको प्रोटेक्शन वाले, जिसमें शोल्डर प्रोटेक्शन, चेस्ट प्रोटेक्शन, एल्बो प्रोटेक्शन आती है, वो वाले जैकेट्स पहने, ये मैं रिकमेंड करूँगा। तो ये नॉर्मल डेली कम्यूटर्स, सिटी राइडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। तो ये वाला जैकेट है ब्लू टाइगर ब्रांड की तरफ से, जो मैंने 1450 1450 रुपये में परचेस किया है, शिपिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। bluetiger.com इनकी वेबसाइट पे ये क्लॉथ आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसको आपको पहन के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए मैं किस चीज़ों के बारे में बोल रहा था, और कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये है इसका जीपर, ये आपको ओपन करना है। बहुत ही हाई क्वालिटी का है गाइस, बहुत हाई क्वालिटी का, एकदम प्रीमियम फील होता है। ये देखिए, रिस्ट को यहाँ तक कवर करता है। नेक भी देख लीजिए, नेक का एरिया भी अच्छी तरीके से कवर होता है, जो नॉर्मल क्लोथिंग में आपको नहीं मिलता। ये देखिए,
नेक का एरिया पीछे तक कवर हो जाता है। यहाँ पे तो आप हेलमेट पहनते हो तो फेस का आपको कोई टेंशन नहीं। हाँ, फिंगर्स आपके एक्सपोज रहते हैं, लेकिन आपको अगर ग्लव्स पहनने की आदत है तो ये भी चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो फिंगर्स है वो भी टैनिंग होने से, डायरेक्टली यूवी रेस से एक्सपोज होने से बच जाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ किया गया है और ब्रांडिंग की गई है। इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एडिक्टिव फील होता है। मीन्स आपको इसको पहने रखने का मन करता है और बार बार पहनने का भी मन करता है बाहर जाते वक्त। अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि मुझे क्या पसंद आया, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो पहली जो बात है मुझे पसंद आई वो है इसकी क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग। सच में मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्रीमियम मटेरियल होगा, क्लॉथ की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि इसको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। तो बहुत बार क्या होता है, वहाँ पे एड्स तो आती है ढेर सारी, लेकिन ऐसी काम की चीज़ें बहुत कम मिलती है। तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्रीमियम मटेरियल होगा, जिप का मटेरियल होगा, क्लॉथ का मटेरियल हो गया। बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही सॉफ्ट है, आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई ये है कि ये इतना लाइट वेट है कि आपको लगता नहीं कि आपने कुछ ऐसे हेवी वाला मटेरियल पहना है। क्योंकि इसको जैकेट बोलते हैं तो लोगों का माइंडसेट होता है कि जैकेट यानी बहुत हेवी मटेरियल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसको कैरी करते वक्त भी आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा वेट कैरी करा है ऐसे नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है इसका ये प्रोटेक्टिव क्लोथ। देखो कितना सा है, छोटा, और इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो। इसके अंदर फोल्ड करके आप अगर ये भरते हो और बैग में डालते हो तो ये एकदम कम एरिया कंज्यूम करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती चीज़ें कैरी करने में। तो ये तीसरी चीज़ इसकी मुझे ये पसंद आई। चौथी चीज़ इसकी जो मुझे पसंद आई वो है इसका वेंटिलेशन। इसका जो मटेरियल है ना वो एकदम पोरस है, बहुत सारे होल्स है इसके अंदर। तो क्या होता है ना, आप जब राइड करते हो, आप जब चलते हो रास्ते पे, तो इजीली जो हवा है वो अंदर बाहर आपके बॉडी तक इजीली वेंटिलेट हो पाएगी। तो इसकी वजह से आपको जो पसीना आता है, आपको जो गर्मी होती है वो नहीं होती है, और आप गर्मियों में भी इसका यूज़ कर सकते हो, गर्मियों में भी इसको आप कंसिडर कर सकते हो। पाँचवीं चीज़ जो इसकी मुझे पसंद आई है वो इसका क्विक ड्राई मटीरियल। आप गीले भी हो जाते हो, पानी पड़ता है, कुछ होता है, तो कुछ मिनटों बाद, यानी कुछ टाइम तो लेता ही है कौन सा भी क्लोथ, लेकिन नॉर्मल क्लोथ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये जो मटेरियल है ये क्विकली ड्राई भी होता है, तो आपको ऐसे गीला नहीं रहना पड़ेगा बहुत टाइम तक। ये तो हो गई अच्छी बातें। अभी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस या बुरी बातों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसकी पहली बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है वो ये थंब का पोजीशन जो होल्ड करता है ना, ये वाला थिंग, ये इतना अनकंफर्टेबल है, ये ना आपको पेनफुल लगता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये आपके थंब को पीछे से खींचते रहता है। तो मे बी ये फिटिंग का इशू है, मटेरियल पे डायरेक्टली डाउट करना इज़ नॉट अ राइट थिंग, ये फिटिंग का इशू है। तो एक साइज़ अगर मैं लार्ज लेता हूँ तो मे बी ये वाला इशू मेरा सॉल्व हो जाएगा। बट फिर अलग बात ये होती है कि ये शोल्डर का फिटिंग देखिए, ऑलरेडी ये मेरे शोल्डर के नीचे उतर चुका है, तो और एक साइज़ अगर मैं लार्जर लेता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, फिटिंग मुझे ठीक नहीं लगेगी। तो इसकी फिटिंग जो है वो मुझे पसंद नहीं आई, उसमें मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। दूसरी चीज़ इसकी जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि हम राइडिंग करते वक्त बहुत बार ग्लव्स पहनते हैं, कुछ ऐसी एक्सेसरीज पहनते हैं जिसमें वेलक्रो का यूज़ किया गया रहता है। तो वेलक्रो अगर इसको गलती से भी टच हुआ तो इसके ग्रेन्स निकलते हैं, वो जो है कॉटन के मटेरियल के कैसे बॉल्स निकलते हैं ऐसे गोल गोल, वैसे क्लोथिंग मटेरियल के कुछ बॉल्स निकलना शुरू होता है। मुझे पता नहीं कैमरा में ये दिख पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ ये देखिए, वेलक्रो जब भी इसको टच होता है तो इसका क्लोथ मटेरियल जो है डिफॉर्म होता है,
तो वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। तीसरी चीज़ जो इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसका इनर क्लॉथ का जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं आया। एक्चुअली ये कलर इसलिए मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये जल्दी गंदा हो जाता है, और ऐसे है ना समर के टाइम पे नेक का एरिया हो गया, इसमें पसीना इतना आता है कि ये वेट होते रहता है बार बार, उसमें अगर गलती से कोई धूल मिट्टी का चीज़ हो गया तो ये बहुत ही जल्दी डर्टी हो जाता है, गंदा दिखता है, तो ये वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस, इन डेप्थ एक्सपीरियंस अबाउट दिस राइडिंग जैकेट और सनस्क्रीन जैकेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसी ही चीज़ें फ्यूचर में और देखनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मैं ट्रैवल भी करता हूँ हफ्ते में एक बार दो बार, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोल राइडा करके चैनल का नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में, आपको कोई और गैजेट दिखाता हूँ और एक गियर दिखाता हूँ जो आपके काम में आ सकेगा। तो तब तक के लिए बाय।